बरण्य पुरोधा सम्मान्य पूज्य कर्मी मंडली प्राणर गुरु भाई माने साधु सज्जन भक्त मंडली कल्याणमयी माँ माने समस्त को आज विशेष सत्संग अवसर रे मोर आंतरिक श्रद्धा प्रीति जय गुरु यथाविधि प्रणाम जना। विभिन्न सभा समिति मानक गोटे भाषण कार्यक्रम सब थाए तो से परिप्रेक्षी वक्ता मान सब कांटेक्ट करा जाए तो से आसिक भाषण दिखते तो अनेक से भाषण शुणा आशार सब आसी था केते उच्चकोटीर भाषण हला किभली भाव सब भाषण हला केते स्पीड रे भाषणटा हला एसबु अनेक अनेक कथा तापर आलोचना पर्यालोचना भी सब है क्षमा करिवे आपण मानकु पाखरे मु से प्रकार कौन सी भाषण रखिबार स्पर्धा तो आदम करिबिनि तेबे सत्संग जे जीवनर कथा सत्संग जे मनुष्यर जीवनर वास्तवतार कथा दीर्घ पचीस वर्ष काल ठाकुर दीक्षा नवा पर मुझा मोर ए व्यक्तिगत जीवन रे अनुभव करी एवं ठाकुर को धरी सत्संग जगतर भाई मान भल पाइबार बांधी सुदूर जाजपुर इस्पात नगर राउरकेला को दौड़ी आसी भल पाइबार भावर आदान प्रदान टिके करिबार आशारे परम दयाल अजच्छल दया करुणा जहाँ आज आम समस्त को बांधि रखी से दायरे आमे परस्पर समस्ते निज निजर समस्त कामदाम व्यक्तिगत दायी दायित्व को पछरे पकई छुट्टी आई सत्संग ठाकुर को टे समस्ते उपभोग करने परम पिता आतुलचरण तले मोर एकांत प्रार्थना जनाए आपण मानकर प्रति प्रत्येक मंगल कामना करने संगे संगे मालिक तांकर कथा किछि कुहै दियंतु जा दे कि आमे समस्ते धन्य हवा। आज सत्संग जे एठार अनुष्ठित होउछि विशेष सत्संग पुरी ठारे आमर श्रद्धा विभु भाई कर भाई मांगु भाई एमाने तो समस्ते ठाकुरंकर कामदाम रे व्यस्त थांती तो ये पिला मानंकर सहित तो मोर बहुत दिनर संपर्क सत्संग जगत रे भीष्म प्रतिम वरिष्ठ कर्मी आम समस्त पितृतुल्य पूजा नानुदा उपस्थित अच्छा दीर्घ कोड़े वर्ष धरी मु दीक्षा नवा दिन ठारू भल भाव तो जाने मोर तांको प्रति अंतर गभीर श्रद्धा भक्ति रही तेब पिला सहित मोर बेसी समय कटे तो यही मानक नहीं कि भल पाइबार जे जिद से भांगी न पारिकी मु आसिबा को एठा को बाध्य हली एवं सही परिप्रेक्षी रे आज पूज्य त्रिपाठी दास एठार अध्यक्षता करुछंती से मुख्यांश रे ठाकुरंकर कथा आलोचना करिवार कथा कहिछंती तो श्री श्री ठाकुरंकर कथा कौन आलोचना करा जीवो मनीष जीवनटा जदि ता पई गुरुत्वपूर्ण एवं से जीवनटा को जदि से सुंदर करने को चाहे भलरे बंची रहा चाहे तार परिवार एवं पारिपार्श्विक को लेकिन सुख स्वच्छंद उन्नति दिगरे अबाध गति करने को चाहे तेबे जीवन बंचिबार जे नीति नियम ताकू मानिबा को हबो एवं से जेमिति करिकि भी होउ जेपर्यंत से जीवन नीति नियम को ठीक ठीक भाव में पालन न करिछि से पर्यंत जीवन को से उपभोग करि पारिबो नाइ एटा होउछि प्रकृतिर नियम एटा हेउछि एटा ही होउछि अवधारित सत्य। तो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र तथाकथित भाव में कौन सी साधु संत महापुरुष व भक्त मुनि ऋषि नुहंती ठाकुर अनुकूल चंद्र एकांत वास्तववादी जीवनवादी विज्ञानवादी एभली कौन सी अवैज्ञानिक अप्रासंगिक अवास्तव व आकस्मिक कथा ठाकुर के देखनी कि शुणिनी
दीर्घ 81 वर्षर जीवन भितर ठाकुर ही खाली मनिषर वास्तव जीवन उन्नति एवं मंगल कथा ही चिंता करिसंती। तो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जे दीर्घ 81 वर्षर जीवन एटा को जदि मनिष अनुध्यान करे मूल रु शेष पर्यंत ताले ता भितर ठाकुर जे खाली मनिषर कथा भाविसंती से कथा नुहे। मु तो देखे ठाकुर वास्तव जीवन भितर ये सचराचर विश्व ब्रह्मांडर एभली कौन सी वस्तु ना जहाँ विषय ठाकुर भावि ना गोटे तरुण थारु आरंभ करके कीट पतंग स्थावर अस्थावर ग्रह नक्षत्र चंद्र सूर्य तारा ये समग्र विश्व ब्रह्मांडर प्रति सृष्टि से वास्तव भाव में मनुष्य को आश्चर्य करे। ते से कौन केवल मानववादी से मानववादी नुहंती से होती जीवनवादी। ठाकुर को देखने बुझा जाए से वास्तविक भाव हो जीवनवादी। अंत तो ठाकुर जीवन बहु घटना रही लक्ष लक्ष कोटि कोटि घटना रही कोटि कोटि लोकर कोटि कोटि अनुभूति ठाकुर पाखे रही श्री श्री ठाकुर संस्पर्श जो मैंने आसी से अनुभव कर मोर मन पड़ी ठाकुर पाखक आसी बिहार बीपी झा जे ठाकुर सहित आलाप आलोचना कर आश्रम बुल देखी एवं एत समस्त कार्यानुष्ठान सब देखिकी ठाकुर को कौन जे ठाकुर आपणकर आश्रम परिभ्रमण करी मुझे देखिली एत उद्बुद्ध हेली एत आनंद पाइली आपणकर आश्रम जीवनवादी एत संगठन सब गढ़ी उठी ए समस्त कथा आपण केते लोक थैथान देती केते निराश्र लोक आश्रय देते बेकारी लोक मूँ निजुक्ति देते झड़ी पड़ा लोक मूँ जीवनदान करते असहाय लोक मूँ आश्रय देते समस्त कथा जदि खबरकगज रेडियो मानी प्रचार प्रसार हाँ ये कथा लोकलोचन में पहुंची पारना जनसाधारण मैंने अवगत हो पारना तेणु आपणकर एक कथा जदि प्रचार प्रसार हाँ तेल लक्ष लक्ष लोक सब कथ जाणी के खुशी हे आनंद हे के प्रेरणा पाते से बहु भाव उद्बुद्ध हे आपड़ा करूना कहीं तो ठाकुर कहले देखु मिस्टर झा जे आपणकर पर आपण कौन के स्त्री शाढ़ी खंडे आणिक ना आज्ञा दे पुओ झीपाई किसी दायी दायित्व तो किसी कर्तव्य कर हाँ आज्ञा कर बंधु बांधव आत्मीय स्वजन जो मन मन करती से कौन के हाँ आज्ञा करगुड़ी कौन आप खबरकगज रेडियो मानक प्रचार प्रसार करज्ञा सेगुड़ा करी केमी एटा तो मोर व्यक्तिगत जीवन दायित्व और कर्तव्य से कर्तव्य भाव में मुझे ठाकुर कहले तई पर तो क्या भावनी प्रचार करी कौन पर जहाँ करक्तिगत जीवन दायरे कर डाण हाथ में गोटे मशा बसिले बाँ हाथ जदि से मशाटा को गोड़े दिए तेज़े डाण हाथ टा कि बाँ हाथ पर उपकार कला आश्चर्य होता से दिन बीपी झा जेत स्वाभाविक भाव ठाकुर एक कथा कहले ठाकुर स्वाभाविक जीवन टाइम समस्त को आकर्षित करे। पुरुषोत्तम भगवान ईश्वर जिते सृष्टि मूल उत्स जिते आसती सहज सरल मनीष रूप से सबुठू बेस आकर्षण गुण हूँ स्वाभाविकता यही स्वाभाविकता से सब समय बजाय रखा चेष्टा करती सहज सिद्ध जीवन कौन अस्वाभाविकता ना हाथ टेक देखिए ठाकुर अनुकूल चंद्र के आशीर्वाद करना चली जा बच्च तोर जीवन में किसी चिंता करार ना झाड़ी देखिए फुंकी देखिए पा टपे छिंची देखिए क्या रोग व्याधि भल हो कथा ठाकुर कही किंतु जिते मनुष्यू आसी जीवन रास्तवता प्रति ठाकुर एत भाव अंत सचेतन कराई एवं से वास्तवता प्रति सचेतन होकर सी जीवन में से समस्त जिनस को परिपालन करते उपरकू जा चिंता करना। तो आज जेठार आलोच्य विषय वस्तु रही जुग समस्या समाधान में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र अमीय भावादर्श और जीवन दर्शन यही समस्या कथा आलोचना कला बेले मोर मन को आसे जे कौ समस्या कथा आज मनुष्य आलोचना कर आज जे जुगर समस्या कहले मनुष्य जीवन जे समस्या रही समस्या भितर कौ समस्या कथा आम एटी आलोचना करवा जो समस्या कथा किए बा न जाने आज व्यक्ति जीवन में असहाय व्यक्ति जीवन में जे प्रकार जंजालमय जीवन जापन करुष जे प्रकार कदर्ज्य कथाकार चरित्र नहीं कि मनुष्य सबुबले संकुचित एवं भीतग्रस्त अवस्था मनुष्य गति करुची दाम्पत्य जीवन जे हाहाकार अवस्था पारिवारिक जीवन जे विध्वस्त और विपर्यस्त सामाजिक जीवन में मनुष्य गोटे मनुष्य पर भरोसा कर पारना निर्भर कर पारना मनुष्य गोटे भल मनुष्य खोजिकी पाई पारना तापर से अंत मनर कथा टिके कहीदार राजनैतिक जीवन में अर्थनैतिक जीवन में समाज जीवन में राष्ट्र जीवन में प्रत्येक जीवन में मनुष्य आज जे प्रकार अवस्था देखादी जिभली भाव में असहाय अवस्था मनुष्य गति करुच्ची तार जीवन सुख ना शांति ना आनंद ना प्रेम ना भल पाइबा ना प्रीति ना सुहाग ना से समस्त जीवन कथा कौन आलोचना करा जाए पारे। तो ठाकुर से जगह गोटे छोटिया कथा कहले
जे सही कथाटाई होची मनुष्यर वास्तव जीवन तार जे वास्तवतार कथाटा को जदि सजाड़ी दिया जाए अवास्तवता को जदि मनुष्य को दूरे आनी वास्तवता दिगर जदि मनुष्य को इनक्लाइंड करा जाए ताहले ता जीवन रे एते समस्या रहइबो नाही। सब समस्यार भितर ही मूल समस्या होची ए मनुष्यर समस्या। यही मनुष्यटा हूँ जनकर स्वामी, यही मनुष्य हूँ जनकर स्त्री, यही मनुष्य हूँ गोटे बापर पु, यही मनुष्य हूँ गोटे माँ पाखे झी, यही मनुष्य हूँ आ गोटे मनुष्य पाखे बंधु। तेणु सर्वोपरि यही मनुष्यर जीवनटा अति गुरुत्वपूर्ण। तेणु ठाकुर कहले जेबादर बादी हुआ ना किंतु जीवनवादी असल तुई जीवनटा को करू कायम चलते सब जीवन भूई तो जीवनटा को ठाकुर बेसी गुरुत्व यही मनुष्यर जीवन भितर जिते समस्त कम्प्लेक्सेस रही समस्त आट्रब्यूट्स रही जहाँ जहाँ किसी रही तार जीवन भितर रही तेणु तार जीवन टाक जदि सजाड़ी दिया जाए तार जीवन टाक जदि सुंदर कर दिया जाए तार जीवन टाक जदि परिपक्व कर दिया जाए मनुष्य को जदि उन्नत करा जाए ताहले सब समस्यार समाधान हो। तेणु ताही केवल धर्म करिपे एवं से धर्म को वास्तव भाव में मूर्त करने जुगे जुगे भगवान मनुष्य रूप से आसती धर्म कौन अधर्म कौन ज्ञान कौन भक्ति कौन ए समस्त कथा जानवाक मूर्तिमान प्रतीक जीए जीए निचक प्रतिच्छवि जीए ही देखिकी मनुष्य बुझिपा मोर कह पूर्व मोर मन पड़ी तथाकथित भाव में जिते मु कलेज पाठ पढ़ुली से धर्म प्रति ईश्वर भगवान प्रति मोर कौन व्यक्तिगत भाव में कौन आकर्षण नाला कारण तथाकथ भाव लोकर केते जन धर्म आचरण करुवा लोक मानू देखि से आचार आचरण देखि से गोटे वितृष्णा भाव मन भितर स्वतई किंतु जो दिन ठाकुर सत्संग कथा मुझ शुणिली दिने छत पर बसी थाए दूर रू हाँ ठाकुर गोटे सत्संग होता है सत्संग में भासी आसूला ठाकुर आलोचनार कथा से आलोचना परिप्रेक्षी में देखिली विशेष भाव में कई जने आलोचना करुले जे ईश्वर को तुम्हें मान बा न मान सत्ताटा को बुझीच तो धारण पालन सत्तार करा धर्म बोले तो तुम्हें ईश्वर को मान कि न मान भगवान को तुम्हें स्वीकार कर बा न कर तुम्हें मंत्र मंदिर को जाओ बा न जाओ अरुआ गेरुआ खाओ कि न खाओ कि साधन तपस्या कर कि न कर से किसी जायास ना तुम्हें जड़े मनीष तुम गोटाए जीवन अच्छी जीवन टाइम बंचा को चाहे और भलि बंचा को चाहे यही आम कहीं अस्वीकार करना आम भगवान को मानु न मानु आमे मठ मंदिर को जाऊ बा न जाऊ आमे आध्यात्मिकतार औपचारिकता को पालन करू बा न करू से आपर चिंता करेंगे देखिए विचार करेंगे किंतु मु जड़े मनीष मोर गोटाए जीवन अच्छी जीवन टा बंचा को चाहूँ मु मो पाकर बाप बाप हिसाब से मुझ भल बापटे हवा को चाहूँ मु मो स्त्री पाखे स्वामी स्वामी हिसाब से मुझ भल स्वामी हवा को चाहूँ मु मोर स्वामी पाखे स्त्री मु जड़े शाशु बा शशुर मु जड़े बोहू बा व्यवसायी मु जड़े वैज्ञानिक कि शिक्षक मोर जहा जहाँ कि मोर बास्तव जीवन में मोर जहा जहाँ कि दायित्व और कर्तव्य रही प्रति जीवन में मुझे सक्सेसफुल मनीष हवा को चाहूँ यही अस्वीकार करें तेणु ठाकुर से जगह कहले बांचते नरे रे जा जा लागे ताई निये धर्म जागे तेणु धर्म मनुष्य वास्तव जीवन कथा धर्म कथा भितर मनुष्य बंचा बढ़िया रही मनुष्य जीवन अभिवृद्धि रही जन्म ठार आरंभ कर मृत्यु पर्यंत एंतुड़ी शाल स्वर्गद्वार पर्यंत मनुष्य प्रति मुहूर्त चाली चलन आचार आचरण कथा बार्ता अभ्यास व्यवहार प्रति कथार धर्म तेणु धर्म को व्याख्या करने को ठाकुर कहते दि लज दैट सस्टेन लाइफ एंड ग्रोथ विथ एवरी फलजेंस अफ पर्सनालीटी इंडिविजुआल एंड कलेक्टिवली दैट इज धर्म जे आचरण वाक्य कर्म बंचा बढ़िवार उच्च है ताकू ही जानवु धर्म बोली नईले धर्म किसी नुहे धर्म जदि न फुटिला तोर जीवन प्रति कर्मे बातिल करी रख ताकू कौन है तोर से भली धर्मे धर्मर कथा कहवाक जाइ ठाकुर गोटे छोटिया बाणी कहते धर्म ही शिक्षार धृति यही धर्म ही वर्धन आर पथ यही धर्म ही संपदर शुभदारयिता यही धर्म ही योग्यता आर परम उद्धाता यही धर्म ही अर्थनीतिर सार्थक तीर्थ धर्म ही सव्यष्टि सम्यष्टि पालन दीपना धर्म ही विवर्तन अनुशीलनी बाहक धर्म व्यक्तित्वर ऋतिक धर्म जीवन परिचर्यार पुरोहित धर्म कृति दीपनर उद्गाता धर्म स्वार्थर सर्वस्व धर्म सविशेष निर्विशेषर एकायित अर्थ आउ भूमि तेणु धर्म को तुम्हें बाद दिओना वंचित हुना शास्त्र पुराण में मध्य सही कथा अच्छी धर्मे वर्धन्ति वर्धन्ति सर्वभूतानि सर्वदा तो धर्म भितर मनुष्य जीवन बंची रुहे धर्म भितर मनुष्य जीवन वृद्धि प्राप्त है धर्म भितर मनुष्य उन्नततर जीवन जापन अधिकारी है से ही धर्म जो नीति नियम पालन कले मु मोर परिवार एवं परिवेश को लेकिन भलि बंची से ही नीति नियम पालन करने मु बाध्य मोर मन पड़ी ठाकुर पाखक जाइए ओडिशार जन विशिष्ट वैज्ञानिक ना तर प्राणकृष्ण परिजा परिजा साहब जो ठाकुर पाखे पहुंची ठाकुर प्रश्न कर जे परिजा साहेब आपण केबे बाजार को जाई ना हाँ ठाकुर जाई छी बाजार रे केबे आपण सौदा किनी छंती ना हाँ ठाकुर सौदा किनी छी
नहीं सौदा किणला बेले सौदार ओजन ठीक है कि भूल है आपड़ केमिति जानती। परिजा साहेब हसी पकेले कहले ठाकुर एटा गोटे छोटिया कथा। परिजा साहेब को नहीं थी ओडिशा रा वरिष्ठ कर्मीगण से मुह सब सुखी छोट छोट हो गलानी से माने कहि कि नहीं चंती ठाकुर विज्ञानर चरम दर्शनर चरम सबुर चरम पुरुषोत्तम ते ठाकुर हाट बजार सौदा कथा पचार विज्ञान कथा किसी आलोचना होनी। तो परिजा साहेब कहते ठाकुर गोटे निकीति थाए यही निकीति रे परिबाटा ओजन है गोटे पटरे छांच पड़े आ गोटे पटरे परिबा पड़े से निकीति रे गोटे कंटा अच्छी से कंटाटा जितेबाला ऊपर फिक्स थी कंटा सहित समान हो जाए से परिबार ओजन ठीक है बोल कि बुझा जाए। ठाकुर गंभीर हो कहते परिजा साहेब सामान्य धरतु किले आलु तार ओजन ठीक है कि भूल है जानवापी निकीतिर गोटे कंटा को जदि आउ गोटे कंटा सहित मिले ना दरकार पड़ता है मनीष तार सामग्रिक जीवन में जावतियों जे समस्त कर्म करुची बाप हिसाब से जो कर्म करुची स्वामी हिसाब से जो कर्म करुची स्त्री हिसाब से जो कर्म करुची पुओ झी हिसाब से जो कर्म करुची नेता हिसाब से जनता हिसाब से राष्ट्रनायक हिसाब से डाक्तर हिसाब से इंजीनियर हिसाब से सर्वोपरि जन मनीष हिसाब से मनीष तार दैनंदिन जीवन में जावतियों समस्त कर्म करुची ठीक कर्म करुची कि भूल कर्म करुची ताकू जानवापी तार जीवन में कौन एभ जड़े जीवंत निर्भुल आदर्श प्रयोजन है ना जहाँ सहित से मिले कि देखी नब पर ओजन ठीक है कि भूल है देखापी मिले ना दरकार पड़ता है मु मोर जीवन में जहाँ सब कर्म करुची ठीक कर्म करुची कि भूल कर्म करुची मत किए शिखेदब मत किए कहीदब हाथ धरिक मत से रास्त किए नहीं प्रति मुहूर्त में मो भर से अंत प्रेरणाटा किए सृष्टि कर जीवन रही होती उच्च पुरुष जीवन रही होती आचार्य पुरुष जीवन रही होती एकम्र इष्ट जी आसती मनुष्य जीवन धर्म संस्थापन करने जी आसती मनुष्य को बंचाई जी आसती मनुष्य को दिग्दर्शन देवाई रास्ता देखा देवाई असजड़ा जीवन को सजाड़ी देवाई प्रेम बन्ही नहीं कि से आसती हृदय भितर से प्रेम अग्नि प्रज्वलित करती भल पाइले मनुष्य असजड़ा जीवन सजाड़ी हो जाए समस्या समाधान हो जाए। आश्चर्य हो जाते परिजा साहेब गोटे छोटिया कथा को लेकिन गोटे छोटिया कथा को लेकिन ठाकुर एत बड़ विराट दर्शन आगे थोदे आखि तर खोली जाता परिजा साहेब प्रकृत जीवन में जड़े निर्भुल मनीष दरकार से ही मनीषटी मनीषर प्रिय परम हवा दरकार तेब जा मनीष सजाड़ी हम आपण मैंने आज्ञा विद्वान लोक ये इस्पात नगर प्रति मनीष ज्ञान गारिमा कि कम नुहे विचार विवेचना बुद्धि बेक किसी आपर कम ना आपण मैंने चिंता करूँ आर्यावर्त भारत शास्त्र पुराण किसी अभाव ना एटी उपस्थित थिबा छोट ठारु आरंभ करी बड़ पर्यंत प्रति लोक को जदि सुविधा सुजोग दि जाए उपदेश दबा समस्त एटी घंटा घंटा माइक रे कहि दे परिबे भल कौन भल कथा कौन कहवापी जदि समस्त को चांस मिले समस्त भल कथा कहि दे परिबे को बाप न जाने पुओ झी को भल पाई लालन पालन करने उचित बोलिकी को स्वामी न जाने स्त्री हूँ तार वंशधारा बाहक एवं पालक उचित मर्यादा देवा दरकार को स्त्री न जाने स्वामी हूँ तार जीवन आराध्य देवता को पु झी न जानती बापमा हूँ एकम्र उपास्य पूज्य आ नमस्य बोलिकी किंतु कहीं से पितृमातृभक्ति कहीं सतान सतति भितर देखा मिलूनी से स्वामी भक्तिर कथा स्त्री मानक भितर देखा मिलूनी मनीष मनीष प्रति भल पाइबार कथा देखा मिलूनी अंत तो देखा मिलूँ जहाँ ता भाषा प्रकाश कही हम ना प्रसंग क्रमे मोर मन पड़ू यही सत्संग छोटिया जीवन भितर मोर जे पुलिस अफिसर देखाई सहित आलोचना भितर से एत भाव मर्माहत है मुझे शेष को हाथ जोड़ी कहली मुझे सार देखु जदि मोर कथगुड़ी आपतर किसी कष्ट था आपड़ मत क्षमा करेंगे कहे ना 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 नायक बाबू सेमती कथ नुहे मुझे आपड़े विमर्श ना पड़ती कौन पर कहे मुपणकर कथा शुणी मोर व्यक्तिगत जीवन रथ मन पड़ी मत बड़ कष्ट होते अफिश की आसे से खुशी से थाएँ यही अफिस मोर निर्देशता को पालन करने बहु लोक अच्छा कॉलिंग बेलटा टिपिदे पांचटा साल्यूट बाजे मो पाखरे किंतु जिते बड़े मुझ घर को फेरी जाए से मोर दुख आरंभ है मोर स्त्री जड़े बड़ लोकर झील एवं गोटे प्रतिष्ठित परिवार झील सी कौन सी दिन
दिने आंठे की भूमिष्ठ प्रणाम मत करनी मोर स्वामित्व हाहाकार कर हुटे जिते मुझा इच्छा कैर ताऊपर जाहिर कर पारे ना तार से प्रकार व्यवहार मु पाए ना आउ मोर पिला छुआ को से भली भाव ट्रेंड कर बापर मान पितृत्वटा मोर से पिला छुआ पाखे बड़ संकुचित हो जाए तो दिने हेले मोर स्वामी स्त्री ठारु मु से प्रकार व्यवहार पाई मोर पुओ झीकु से प्रकार व्यवहार पाई आपन ठाकुर अनुकूल चंद्र करे पारिवारिक जीवन कथा कहते मनिषर सुख शांति आनंदर कथा कहते एटा सुनला बेलू मत बड़ कष्ट एथिरु मु वंचित होई तो वास्तव भाव में देखु मनिषर बाहर जीवनटा बाहर जीवनटा जिते सुंदर देखा जाए तार भितर जीवनटा केते क्लिष्ट आचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा विशेष आशीर्वाद और दादा विशेष प्रेरणा कलिकतार जिते बेले मु गवेषणा करूँ थरे फेरू थाए से कलिकतार ट्रेन में जीवास करूँ संध्या समय मु प्रार्थना करुच्ची प्रार्थना परे मोर सामना सीट्रे बस जन विशिष्ट वैज्ञानिक मुंत भल भाव जाने सी मत जानती कि न जानती मुझे मुझे भल भाव जाने विशेष विशेष सैन्स सेमिनार मानक आलोचना बहुत गुरुत्व दि जाए तो हठात मत पचारे आप कौ धर्म लोक मु कहली सारे आपण बोधे मुझे प्रार्थना शुणिकी पचारूँ एमती तो धरी बसले मुझ हिंदू किंतु आपण जो परिप्रेक्षी पचारुंट मोर य प्रार्थना को केन्द्र कर हाँ हाँ सैया मु कहली सार मु ठाकुर अनुकूल चंद्र दीक्षा ग्रहण कर ठाकुर दीक्षा ग्रहण कले शिष्यत्व ग्रहण कले सकाल और संध्या बेल निर्दिष्ट समय प्रार्थना करने को पड़े जी जो थाए जो भाव में करें कहे ओह ठाकुर अनुकूल चंद्र देवघर आश्रम मु कहली आज्ञा कहे अच्छा यंग मैन जदि किसी मन न कर तुमको केतटा कथा पचारती मुझे हाँ सार पचार कले तुम्हें कौन भावुच जमी बड़ बड़ सत्संग सब कर बड़ बड़ ठाकुर अनुकूल चंद्र लक्ष लक्ष कोटी कोटी टंका खर्च करके मंदिर सब कर तुम्हें ये भारत बर्ष जातीय समस्या समाधान करते बड़ कथा मु देखला बेलू मो हाथ में 15 मिनट टाइम मोर स्टेशन आरइव कर मुझे ओह्लि आए जे पचारे पचारुवा व्यक्ति जन बाबद मोर स्थिर धारणा अच्छी ये केत बड़ लोक और कौटि कथा पहुँचेदे जहाँ पचारुंता छोटिया कथा नुहे सत्संगर केन्द्र मंदिर विहार सत्संग अनुष्ठान उत्सव जहाँ जहाँ कर लक्ष लक्ष कोटी कोटी टंका खर्च होमें भारत जातीय समस्या समाधान करू क्या मैंने ठाकुर अनुकूल चंद्र मिशन कौन जातीय समस्या समाधान कर तो मु कहली सारे आपण तो मुझ छोट छुआ पु कहे अत्युक्ति हेनी तो मोर गोटे कथ आपको कहे कौन कह मु कहे जातीय समस्या कथ आप कहते समस्या तो बहुत अच्छी जातीय समस्या कहले आप कौ समस्या को मीन करके पचार ठीक से बड़े बाबरी मस्जिद टी भंगाई थाए से अल्प दिन होता है मानते 4-6 दिन बेपार से तार भितर कलिकतार मटिया बुर्स हिंदू मुसलमान हणाकटा लगे गोटे रक्तर गंगा नदी बही जाए ये भद्र व्यक्ति कलिकतार मटिया बुर्स रहा तार प्रभाव से प्रकार कथ पचार कहले बाबरी मस्जिद भांगी दिगला हिंदू मुसलमान भितर हणाकटा लगिक रक्तर गंगा नदी बहीगला गोटे मटिया बुर्स पंजाब रे समस्या काश्मीर रे समस्या मंडल कमिशन रे हजार हजार यंग एनर्जेटिक छात्र माने आत्माहुति देउछन्ति अग्नि की झास देकी निरीह लोक मानंकु गुली करिकि पोकमाछी बळिकि हत्या करा दाउची सहर बजार मानंकरे तो आपणकर सत्संग ए समस्त समस्यार की समाधान देइछि मु गंभीर हे कि ठाकुरंकु खाली मने मने प्राण व्याकुळतार सहित प्रार्थना करुथाय मने पडुथाय दादांकर मुह बड़दांकर मुह मोर मने पडुथाय मु कहली सार आपण जदि किछि मने न करंती मु आपणकु गोटे छोटिया प्रश्न करिवि कहले कोन कुओ मु कहली डिसेंबर 6 तारिख जो दिन बाबरी मस्जिद भांगी दिया गला से दिन राति रे आपणक खाइबा सोइबारे किछि असुविधा हेतिला कि कहले ना जो दिन आपण खबर कागज रे बा टीवी रे बा रेडियो माध्यम रे आपण सुनुचंती आज काश्मीर रे 250 निरीह लोकक हत्या करा गला संत्रासवाद माने हत्या कले गुली करिकि से दिन आपणकर खाइबा सोइबारे किछि व्याघात घटुचि कि कहले ना मु कहली जो दिन आपण खबर कागज रे ए समस्त जातीय समस्या रे कथा पढ़ुचंती सेई समस्या आपणकर आखिरु निद छड़ाई नै छि कि आपणक मुहरु आहार छड़ाई नै छि कि कहले ना मु कहली दीज आर नॉट एट ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर सोसाइटी दीज मे बी द आउटर एक्सप्रेशन ऑफ द इनर कॉज एहा हमरो जातीय समस्या नुहे एहा जातीय समस्या रो कारण रो एक बहिर्परिप्रकाश हो पारे किंतु समस्या रो कारण एहा नुहे आपण जानिथिबे प्लाज्मोडियम नामक एक जीवाणु जहां मनुष्य रक्तकोष भितरे
पीरियडिकली टेम्परेचर बढ़िबा मलेरिया रोगर लक्षण ता मलेरिया रोगर कारण नुहे। मलेरिया रोगर कारण हूँ प्लाज्मोडियम जहाँ मनुष्य रक्तकोष भितर लक्ष लक्ष संख्यार बढ़ी चलुची कोटि कोटि संख्यार बढ़ी चलुची ता मलेरिया रोगर कारण तेणु से ही प्लाज्मोडियम को निपात न कला पर्यंत मलेरिया रोग छाड़ब ना जिते जहाँ किसी करें छाड़ब ना। दीज आर दि आउटर एक्सप्रेसन अफ दि इनर कज। मुझी सार आप किसी मन करेंगे जो दिन आपंकर स्त्री आप स्वामित्व को अस्वीकार कर से दिन रात खाई शोपारे जो दिन आपंकर पुओ झी ए अमर्यादा करेंगे जो दिन आपको भूल मागिबा को पड़ो क्षमा प्रार्थना करने को पड़ो जनसाधारण का आगे जनईदे चाहे यही गत अक्टोबर मसरे आचार्य देव आशीर्वाद से आमर राजधानी उपकंठ भुवनेश्वर ठारे पालन होता सत्संगर उत्सव निखिल सर्वभारतीय स्तरीय जो उत्सव पालन होला यही अवसर में आचार्य देवंकर ज्येष्ठ पुत्र पूजनीय बाबाईदा हठात आठ तारीख दिन राति एगारटा मत डाकिले मत कहले विजय भाई बाबा केतेज आपणार लोक अच्छा आ मोर इच्छा आपण से लोक मान को नहीं ओडिशार विभिन्न जगह टी बुले कि देखे पारे समय हम आपणकर मुझे आज्ञा आप कहते समय हेनी कौन आप जिते बड़े जहाँ निर्देश देते पालन करहतु कौन करने को पड़ो कले बाबा चाहते आसाम तीन जन लोक आपण कटक ने नेमा ने जाजपुर ने भद्रक मंदिर देखेबे बालेश्वर स्वर मंदिर देखेबे बालेश्वर से आप रे से बालेश्वर तक आसाम ट्रेन चढ़ेदे से आसाम चली आपण सांगे गले निश्चिंत मुझे आज्ञा केवे जी कहतु कहे आप जब फ्री हे के फ्री हे के मुझे दस तारिख में जापरि कह दस तारिख में से आपरे दस तारिख दिन सका प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा और पूजनीय बाबाईदा देवघर अभिमुखे जात्रा कले सका प्रार्थना पर दसटा बेलू आम सत्संग भुवनेश्वर छाड़ू आचार्य देवं कनिष्ठ पुत्र पूजनीय बिंकिता बसता मुझ प्रणाम करने को गली एवं प्रणाम करके जाकि उठिला बेले मत से कहते विजय भाई जो मानक आपड़ सांगे नहीं कि आपण से चिन्हिं जानी मुझे आज्ञा जानी कहे आपण जाऊँ भारत नॉर्थ ईस्ट जोन इंडिया नॉर्थ ईस्ट जोन उल्फार संगठन कमांडर उल्फा संगठन कमांडर आपण जाऊँ आ तार ट्रिटमेंटा टी भल भाव करे धरईदे आसाम गवर्नमेंट दस लक्ष टा घोषणा करोक को धरईदेव से दस लक्ष टा पाइब पुलिस मैंने तार पाख माड़ी आर्मी गोटे प्लाटून ना धरने को साहस कैना से उल्फा संगठन नॉर्थ ईस्ट जोन जे कमांडर आपड़ चिंता करूँ मेघालय आसाम त्रिपुणा मणिपुर शिलंग ए समस्त स्टेट तार कंट्रोल थिला उल्फा संगठन जो उल्फा बाबद खबर कागज आम पढ़ुचे प्रति दैनंदिन खबर कागज में पांच सतटा न्यूज रही उल्फार आज एत लोक मर्डर करी बमिंग करसा करसा कर इत्यादि बहु कथा घटे तार चीफ कमांडर हूँ उत्पल शर्मा ए उत्पल शर्मा को आपड़ सांगे नहीं जाऊँच ठाकुर अजच्छल दया करुणा बाबा एकांत आशीर्वाद एवं बड़दाबा बाबाईदा विशेष भल पाइबार आकर्षण से ही सन्सवादी नेता उत्पल शर्मा कमांडर उत्पल शर्मा आज ठाकुर अनुकूल चंद्रों ऋतिक बुलिक घरे घरे ठाकुर दीक्षा दौर सतमंत्र नाम दौर बाटर आसला बेले मुझे पचारि तीन दिन तक सहित मुझी तीन दिन भितर मुझे पचारि आपण दीक्षा ग्रहण कले केमी से इतिहास कहले बहुत समय जीव सत्संग तो समय खूब सीमित तेरे जा कथा मुझे जानी जे जो दिन से आचार्य देव दीक्षा ग्रहण कर सारापर जो दिन आचार्य देव सहित से सामना सामनी हूँ से दिन तर समग्र शरीर मारणास्त्र सुसज्जित था देवघर आश्रम जिते बड़े प्रथम पहुंचती देखा हुए दीननाथ शर्मा सहित आम ऋतिक मानक पांजा दिखती जे दीननाथ शर्मा से आसामी लोक घर भितर पूरे कबाट देदे कहले मु न फेर पर्यटन तुए घर बाहर को चेष्टा करी श्री श्री बरदा सहित साक्षात करके आलोचना करके पूज्यपा दादा सहित आलोचना करके से फेरिले पर दादा सामना को निगला आचार्य देव श्री श्री दादा प्रथम दर्शन में मनभुला चाहणी तांकर से उन्नत व्यक्तित्व आकर्षण रे एभली की प्रभाव थिला जाने ना से
उल्फार कमांडर उत्पल शर्मा छंदी हो पड़ा दादा सहित से कहला दादा मत बहुत दिन आगु जानती दादा जे प्रकार कथबार्ता कले मो सहित सते जमी मोर मन है योटे जन्मर संपर्क दादा सहित नुहे सते जमी अनेक दिन संपर्क दादा ताकू देखला मात्र कहले ओके तो आम अनेक दिन आगे थे जानी सेतबेले से भय करुथिले जे तांको पाखरे मारणास्त्र अच्छी काले दादा ताकू एक्सपोज कर देबे कि कहले दादा से प्रकार कथा किछि कलेनी एवं दादा मते कहले देख जानुआरी 9 तारिख रे वनमहोत्सव हबो जानुआरी 10 तारिख रे तू घर को फेरी जिबु एवं एई अवस्था भितरे से घर को फेरिबो जो घरे गांरे आर्मी छाउणी करा जायछि जोठी गले से धरा पड़िबो एवं से मरिबो आर्मी हेडक्वार्टर रेकर्ड कहउछि तार बंचिबार कोनोसे अधिकार नाही एही प्रकार एक संत्रासवाद नेता कमांडर दादा आशीर्वाद पुष्ट हो घर को फेरुची गुवाहाटी नाइट एक्सप्रेस रे दादा से दिन कही था से कही थिला जे मो ना रे इनाम भूलुची 10 लाख टंका मते धरई देले मुंड जमीन मिल 10 लाख टंका दादा कहले थरे जत परम पिता दया करी तते तार पाद तले आश्रय देचंती दुनियार कार ताकत नहीं तते निराश्रय करबा पई घर को जा मु कहउची दादा पाखु फेरी आसी घर को नाइट एक्सप्रेस रे जिते बड़े गुवाहाटी से फेरुची हठात गोटे बड़ ढेला आसिक बस रे बाजिला से ढेला टा बाजिबा परे काचटा भांगी गला काचटा भांगी जाकि तार आग सीट रे बसी गोटे लोकर मुंडरे फुटिगला बहु भाव रक्तस्राव घटिला प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट कर दिया है कि पुणी बस चलला 10 मिनट बस चली कि नाई देखा गला बस टाक घेरऊ कर दिगला और आर्मी कमांडर मैंने से बस भितर को उठी कहे उत्पल शर्मा बस रुचि समस्त ढड़ा हुआ हाथ टेक हैंडसअप समस्ते छिड़ा है कि हाथ टेक छिड़ा हले एवं सही जगह बस कि से भाव थाए आचार देव मत कहले घर को जीवाई आज यही धरा पड़ी आउ बोधे जीवन में घर को फेरवा के संभव हेनी से बेले ऋतिक दाता दीक्षा देते कही जीवन में जदि यह कौन सांघातिक परिस्थित आसे जदि तुम जीवन संकटापन्न है विपन्न है तेल ठाकुर पवित्र नाम ताकू व्याकुतार सहित जप कर देख ठाकुर होंगे अनामी से तुम अंतर भितर जगि उठे तुमको जो रक्षा करने कथा करेंगे केवे नाम ताक भूल नहीं कि जीवन में छाड़ब ना यही कथाटा जिते बार मन पड़ी आखि बुझी से ही सीट्रे बस कि से ठाकुर अविरत भाव में व्याकुतार सहित तो नाम कर चलला कौन घटी से जाने ना बस चल आरंभ कला यही आरंभ भितर से देखला हलचल होगा बेले देखला आर्मी ना कि फार्मी ना कई नाख सीट्रे बस गोटे लोक को पचारा कहला भाई ये आर्मी मैंने चेक करुले सबू आड़े गले ना ये लोकटा मुंडे काच फुटी असंभव प्रकार ब्लीडिंग है कि तार सेंसलेस हो गला आउ तार ताकू बंचेबा पई आर्मी माने टेकी कि ताकू हॉस्पिटल नै गला आउ चेकिंग फेकिंग किछ हेलानी जस्ट ता पछ सीट रे ये बसतिला परमपिता को अजछळ दया करुणा से हाथ जोड़ी से प्रणाम कला दादा गभीर भरोसा कला 3 वर्ष पर उल्फा संगठन से छाड़ा गवर्नमेंट पाखे आणिक सरेन्डर कलापर परम पूज्यपाद श्री दादा ऋतिक पांजा दे से कहला मो जीवन गोटे रहस्यपूर्ण घटना शुणु ब्रड डे लाइट हजार हजार लोकर सामने जो लोकटा को मुझे 47 रे गुली करके हत्या करी तार स्त्री और पिला छुआर सामने सही तार विधवा स्त्री की ता घर को जाकि तार पितृमातृहरा पुओ झी को घर को जाकि दीक्षा दाता ऋतिक हिसाब से दीक्षा दे कि आसाईदा निर्देश रे जो स्त्री मुँह हूँ स्वामी हंता से विधवा पत्नी मुँह हूँ ऋतिक जो पुओ झीर मुँह हूँ पितृहंता से बाप को हर से पुओ झीर मुँह हूँ ऋतिक यही मो जीवन गोटे परम विस्मय ताले आपण देखंतु जे समस्यार कथा से दिन से प्रोफेसर साहेब कहते वैज्ञानिक जनक कहते जे आज संत्रासवाद कथा चारिआड़े उठुची मनुष्य जीवन आज संकटापन्न कई आज अंतत स्वाभाविक अवस्था ना समस्त भीतग्रस्त अवस्था गति करा घर बाहर की जा फेर कि ना सन्देह मनुष्यटा आज दोकान को जावसायू फेर कि ना सन्देह देश देश भितर राष्ट्र राष्ट्र भितर भारत पाकिस्तान भितर वाजपेयी मुशारफ भितर केमेरिका के इंटरफियर कला कौन कौन है अजणा ना समग्र विश्वर प्रति मनुष्य जीवन आज भीतग्रस्त अवस्था गति कर ठाकुर अनुकूल चंद्र निर्भय दे कि अभय दे कि कहते भय ना सद्गुरु शरणापन्न हुआ सतनाम मनन कर आउ सत्संग आश्रय ग्रहण कर मु निश्चय करम जीवन उन्नति पाई तुमको चिंता करने को पड़ ना ठाकुर ए प्रकार आश्रय ठाकुर ए प्रकार निर्भरता तेरे सर्वोपरि खाली यही गोटे समस्यार कथा नुहे प्रति जीवन समस्यार कथा ठाकुर कहते
विशेष करके ठाकुर चाहिए देशबंधु चित्तरंजन दास आसिक भारत स्वाधीनतार कथा कहले स्वराज आंदोलन कथा कहले ठाकुर कहले दास दा आपण आज रात को रही जाऊ देशबंधु चित्तरंजन थे ठाकुर एकांत अनुगत भक्त एवं सेवक लोक प्रकृत पक्ष देश को भल पाता जड़े परम योद्धा थे सीए ठाकुर बहुत पसंद करुले कहे दास दा रात को आज आप रही जाऊ कहे ठाकुर ये स्वराज आंदोलन दायित्व मो मुंड लदी देते भारतवासी यही भारत को स्वाधीन करार स्वप्न दे मु चौबीस घंटा दिवा रात्रि देखी चली स्वप्न को साकार करने आपंकर आशीर्वाद मोर एकांत प्रयोजन आदि गोटे राति मुझे रही जाए तो स्वराज आंदोलन को धरी रखा भाई मनीषटे ठाकुर मुझे पाऊनी आपड़ जदि दया किसी विश्वासी विश्वास योग्य मनीष आपर अच्छा मत दिंतु जो मैंने मोर स्वराज आंदोलन दायित्व अंत ने मुझे निश्चिंत रही पार ठाकुर गंभीर हो कहे दास दा सामान्य गोटे राति टे रही एवं गोटे राति स्वराज आंदोलन दायित्व को धरवाई मनीष टीए आपरी भारत वर्ष को स्वाधीन करके स्वाधीनता को आपड़ कौ मान हाथ में देजे स्वामी स्वाधीनतार मूल्यबोध से मैंने बुझे तो से दिन दास दा छल छल आखिरे ठाकुर को कही ठाकुर कौन करी ठाकुर कहले दास दा मनीष तैयारी कर विश्वास योग्य निर्भर योग्य मनीष आगे तैयारी कर मनीषटा जदि खांटी जाए ताहले तार समस्या किसी रही मनीषटा जिते बेखांटी हम मनीषटा जिते असत हम मनीषटा जिते प्रवृत्ति परमुखी हम से मनीषर चारित्रिक स्खलन घटव मनीषर से प्रकार विभ्रांति आसव सेते समस्या तार व्यक्ति जीवन ठार आरंभ कर राष्ट्र जीवन पर्यंत देखा दबो तो से मनीषटा को भल करने कौन नीति नियम ना कौन नीति नियम केवे मनीष तैयारी करे ना करना जगतर कौन नीति नियम के मनीष तैयारी करे ना मनीष तैयारी करे से मनीष जो मनीष को भल पाई जहाँ भितर से नीति नियम फुटी उठी था मैन इज सेफ्ट एंड फैशन बाय व्हाट ही लव्स मनीष जहाँ को भल पाए ताकू नहीं कि तार जीवन तैयारी है तो तुम भल पाइबार केन्द्र बिंदु जिते महान उच्च हे तुम जीवन से सुंदर हम जे लोक अमिताभ बच्चन को भल पाए तार स्टाइल भितर ऑटोमेटिक फुटी उठू जे लोक तेंदुलकर को भल पाए से बैट टाक से रकम करके बुलेवाई चेस्टा करे लोक जहाँ को भल पाए तार फैशन से रकम हो जाए तेणु मनुष्य जदि आदर्श को भल पाए तार जीवन टाइम सुंदर होई आदर्श किए टेका पकईदे गोटे आदर्श टी बाजी समस्त कहते आम भगवान समस्त कहते आम भगवान तो जड़े मत प्रश्न कला कला सारे आपड़ कौन ठाकुर अनुकूल चंद्र भगवान मुझे किए कहला मुझे कौन भगवान बोली ठाकुर तो भगवान नुहति भगवान किए कौ ठाकुर को कौ बेकूफ कौच ठाकुर भगवान बोली अरे भगवान को जी सृष्टि करते से कौन भगवान ए जगत को जी सृष्टि करे से कौन भगवान तुम्हें भी भगवान मु भी भगवान विवेकानंद भाषा एवरी इंडियन सर पोटेंशियली गॉड भारत जन्म होता प्रत्येक व्यक्ति भितर भगवत सत्ता अच्छी से भी भगवान ठाकुर अनुकूल चंद्र कौन भगवान नुहति ठाकुर अनुकूल चंद्र होंगे जन निर्भुल मनीष जहां पाखक गले मनीषर समस्त असजड़ा जीवन टा सजाड़ी जाए ठाकुर अनुकूल चंद्र होंगे मनीषर जीवन जीवाग्नि स्वरूप जहां पाखर को गले मनीष प्रेरणा पाए आनंद पाए उत्साह पाए बर्धन पाए मनीषर छोटिया जीवन टा बृहत्तर हो जाए दि स्मलेस्ट अफ दि स्मल एंड दि लोएस्ट अफ दि लो कैन बिकेम ए महात्मा जार संस्पर्श जार भल पाइबार जार प्रेरणा ठाकुर कौन से अवास्तव कथा कहती मोर मन पड़ी गोटे पगल टे बुलूला आप गोटे घटना कह चाहे ठाकुर जीवन गोटे पगल बुलूला ता मुंड भितर पशिच भगवान किए खोजुची जहाँ को पार्टी पचारूँ बस आगे एमती ढाला बस अटिकला पशिगला बस भितर को कह तुम सब भगवान को देखी किए कह भगवान देखी किए कह पुणी पलैगला रेलवे स्टेशन को चलीगला ट्रेन में चढ़ीगला दले पिला बसिक तास खेलुले कहला हे हे भगवान को देखी से गोटे पिला कहला हाँ मुझे देखी कहला किए से कहला सत्संग आश्रम को चल जाए ठाकुर अनुकूल चंद्र बस भगवान कहला सतरे कहला हाँ कहला कौटी ओल्लि कहला जशीडी चलीगला ठाकुर बस बहुत भक्तजन बस मुंडवाड़ जमी अवस्था छिंडा मईला सब पिंधि दात घसी के दिन होगा दात गुड़ाक कला लाल टुकटुक सब पड़गला आखि गुड़ाक कोटरगत हो गला कुआर नर्दमु पचा रुटी मुटी जा पाँच बुलिकी खाऊ जमी जा ठाकुर पाखे ढड़ा हो मोर आज्ञा से भाव ना कि भाषा ना कहवापी ठाकुर जे कि कोटिनिधि कि आनंद तार सीमा ना ठाकुर कहते अरे एत दिन पर आसलु
कुआडे जाइथिलु मो धन माने एभली भाव तांकर मातृवत जे स्नेह ठाकुर एकदम पूरा छळ छळ हे गेले कले अरे ताकू गाधाई दियो ताकू गाधा हेची ता पई नुवा जामापटा सब हेची ता चुडक चुटी कटा हेची ता दाढ़ी कटा हेची ता दांत मजा हेची ताकू ठाकुर रखिछंती अति सजत्न रे रखिछंती ठाकुर कहले तुई कोथाई जाबिना अमर काछे बसबी एइखाने बसबी आर कोथाई जाबिना कोठी जीवन तू एठी बसिबू सेतेबेले बहुत असुविधा भितर नुआ नुआ करिकि देवघर आश्रम रे कामदाम चली थाए प्रत्येक कर्मी माने सकाळ टू भिक्षा करि जांती गुरुम पई संध्या बेलकु फेरंती डाली टिके आनंद बजार रे खाइबा घुमले ना तो एई अवस्था रे ये बसी बसी कि खाउची ठाकुर बजार बुझाबुझि करथुआ लोक अति उच्च खानदान वंश बुनियाद रो संभ्रांत परिवार रो लोक सारा जीवन उत्सर्ग करी ठाकुर को सेवा करछि डका हला कले ठाकुर कले कि ता कोन कहिछु कले ना ठाकुर मु सेमिति किछि कहिनी कले कोन तोर किछि खाउछि कि से हां तू एमिति कहिछु तार मनर कष्ट दैछु आजि ठु से जहां खाइबो से तते चिट्ठा धरेइबो तू भिक्षा करकि बुली बुली कि भिक्षा करकि आनि कि सेटा रोसै करकि ताकु खाइबाकु दबु कले आ गया से कह पोटल भाजी खाइबी शाग भाजी खाइबी एसा खाइबी तेसा खाइबी ये बुलिक भिक्षा करके आणिक रोष कर खावाक दब यही प्रकार जे भल पाइबा ठाकुर भल पाइबार परसरे से पगलटा दिने स्वाभाविक हो जा ठाकुर पाखे बसि छल छल होकर आखिर धारधार लुह गड़ी जाऊँच ठाकुर कहले कि कांदुचु कौन कह ठाकुर मोर गोटे पर मोर बापा अच्छी माँ अच्छी मोर स्त्री पिला छुआ सब अच्छा ठाकुर कहले कथा मन पड़ू ना हाँ ठाकुर मन पड़ू कहले ठीक अच्छे तू काली जीवु तापर ठाकुर ताकू विदा कर घर को आपण माने विश्वास करिवे गोटे बाप माँ तार झीव को जमी शाशु घर को विदा करती ठाकुर बजारू तार बापाई लुगा कपड़ा किणी तार माँ पाई शाढ़ी फाड़ी किणी तार स्त्री सुंदर शाढ़ी टे कि छुआ सब ड्रेस मेटेरियल सब किणाई ता घर को चाउल डाली पनी परिवा कखारु इत्यादि सब किणाई गोटे गाड़ी रे बोझे कराई बसा जा ठाकुर कहते देख मणि तू घर को जीवु बाप माँ सेवा करू बाप माँ मन में दुख दबुनि कष्ट दबुनि स्त्री की तोर खूब मन प्राण दे कि भल पाइबू तो वंशर से लक्ष्मी पिला छुआ जत्न नबु आते बुढ़ा बापर कथा मन पड़ो सेत तू मो पाख को चली आसबु कांदी कांदी की से जाऊँ पुणी फेरी आस ठाकुर भगवान कौन मुझ जानी नी ईश्वर को केवे मुझे देखनी किंतु मोर जा मन हुए आपण को छाड़ी मु बची पारि आपण को छाड़ी मु बची पारि ठाकुर ये स्वाभाविक भल पाइबा मनीषर केते असजड़ा जीवन सजाड़ी होते मनीषर जीवन रे झड़ झंझा दुख शांति की ठाकुर दूर करते बाट हरा स्त्री की से बाट को फेर आनी गोटे आश्रम झी तार स्वामी ताप अत्याचार करे शाशु शशुर ताप अत्याचार करती अत्याचार सही न पारिकी दिने ठाकुर को कहि ठाकुर मु आउ शाशु घर को जीवी ठाकुर ताकू मारे धन कहीकि विदा करती दिने एकांत भाव में जिद्दी कर ठाकुर मुझे जीवी मुझ मरीजी मुझ बची पारि एत अत्याचार सही पारि से मोर कथा किसी बुझुना मुण जहाँ जहाँ शिखी थी सब व्यर्थ हो कौन कथा से शिखुना कि बुझुना मोर कौन कथा से शुणुना ठाकुर गंभीर भाव में कहते सुनामा लोक चढ़ई पाड़े तू देखी कहला हाँ चढ़ईटा ता कथा माने ना हाँ लोक कुकुड़ा पाड़े तू देखी कुकुड़ाटा बिलईटा ता कथा माने कुकुरटा ता कथा माने ना हाँ ठाकुर कहले सामान्य गोटे चढ़ई गोटे बिलई गोटे कुकुर जदि जो मनीषर कथा माने एवं बुझिपे तोर स्वामी तोर शाशु शशुर कणई चढ़ई बिलई कुकुर ठार आहरी हीन जे तू तोर बुझी कथा टे बुझे पारुनु एत दरद भाव में छल छल आखिरे ठाकुर कथाटा कहले झीटार मरमरे से कथाटा एभरी भाव में गलीगला कांदी कांदी की ठाकुर को प्रणाम करछि ठाकुर आउ आपण को कष्ट देबिनि आपण आशीर्वाद करंतु मोर स्वामी शाशु शशुर को मु जेमिति बुझीतिबा कथाटा बुझेबारे सक्षम हुए ठाकुर कहले परमपिता तते साहाज्य करिवे जा फेरी जाइछि तार सेई घर को एवं तापर देखा जाइछि खबर देला बेलु को भी से आसुनी स्वामी तार ताकू छाड़ूनी शाशु शशुर छाड़ू नांती बहुत बाध्य रे दिने शाशु शशुर स्वामी के धरिकी आसीछि ठाकुर महानंद ये असजड़ा जीवन को ठाकुर सजाड़ी दिंती
ଧର୍ମର କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ ଠାକୁର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର କଥା କହିଛନ୍ତି, ପାରିବାରିକ ଜୀବନର କଥା କହିଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଜୀବନର କଥା କହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଭଲ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଅନ୍ତତ ପବିତ୍ରତାର କଥା କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନର କଥା କହିଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ କଳା ରାଜନୀତି ଅର୍ଥନୀତି ସମାଜନୀତି ଜନନୀତି କୃଷି ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କଥା ଏହି ଧର୍ମ ଭିତରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାଇ ସବାର ସେରା, ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାଇ ସବାର ସେରା, ଈଶ୍ୱର ଯାର ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ ସେଇ ଚର୍ଯ୍ୟାଇ ଧର୍ମ ଚର୍ଯ୍ୟା ବାଞ୍ଚେବାଡ଼େ ସକଲ ମାନୁଷ। ଏଇ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାଟାଇ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଚର୍ଯ୍ୟାଟାଇ ହେଉଛି ଧର୍ମଚର୍ଯ୍ୟା। ତେଣୁ ଜେବାଦରବାଦୀ ହୁଅ ନା କିନ୍ତୁ ଜୀବନବାଦୀ ଅସଲ ତୁଇ, ତୁମେ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅ ମୁସଲମାନ ହୁଅ, ତୁମେ ପୁରୁଷ ହୁଅ ନାରୀ ହୁଅ, ତୁମେ ଧନୀ ହୁଅ ଦରିଦ୍ର ହୁଅ, ତୁମେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ କି ମୂର୍ଖ ହୁଅ, ତୁମେ ଯିଏ ବି ହୁଅ ନା କାହିଁକି ତୁମର ଗୋଟାଏ ଜୀବନ ଅଛି, ଏ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। କଣ କଲେ ବଞ୍ଚିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ଲାଭ କରିବ, ସେଇ କଥାଟାକୁ ଶିଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଜଣେ ନିର୍ଭୁଲ ମଣିଷ ଦରକାର, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ବେଦରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯସ୍ମାତ୍ କ୍ଷରମତି ତକ୍ଷର ଦପିଚ ଉତ୍ତମ ତସ୍ମି ବେଦେ ଲୋକେଚ୍ଚ ପ୍ରଥିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସବ ସତ୍ତାର ପୁରଣୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାରେ ବୋଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲେ ତୁମାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକତା ଏ ଧରେନ୍ ତୁଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ଯେବେ ସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସାର୍ଥକତା ଧରିଲେ ତାଙ୍କୁ ହୁଏ ନା ଗୋ ଗୁରୁ ତ୍ୟାଗର ଘୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଇଷ୍ଟ ଜାଣି ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାଏ, ଗୁରୁ ବୋଲେ ତାର ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ତାକେ ବହେ ଭର ଦୁନିଆ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସବାର ଗୁରୁ ସବାର ଧାତା ପୂର୍ଯ୍ୟମାନ ଧୃତି ଚର୍ଜି ସଭାର ତିନି ଭଜନ ମୂର୍ତ୍ତ ଭଗବାନ। ସବ ଦେବତାର ସମାହାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମର ସୃଷ୍ଟି, ସହଜ ମାନୁଷ ନର ରୂପେ କରେନ୍ ଧୃତି ବୃଷ୍ଟି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ସ୍ୱାଭାବିକ ମଣିଷ, ସ୍ୱାଭାବିକ ମଣିଷ, ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ ମ୍ୟାନ, ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ ମ୍ୟାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଇଜ୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମ୍ୟାନ ଇନ୍ ଅଲ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ। ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଛତ୍ର ଛତ୍ର ଫୁଟି ଉଠିଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକତା, ଆଉ ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେ କଥା ତା ମଣିଷ ଟେର ପାଏ ନା, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବୁଝିବା ବଡ ମୁସ୍କିଲ। ସେ ଧରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଭେରି ଅବନର୍ମାଲି ନର୍ମାଲ, ଭେରି ୱାଇଜଲି ପଲିସ ଆଣ୍ଡ ଭେରି ଗର୍ଜିଅସଲି ସିମ୍ପଲ, ସେଟିଂ ଇନ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ କର୍ଣ୍ଣର ଅଫ ଦି ଆର୍ଥ ୱିଥ୍ ଇଜ୍ ଲଭ୍ ଅଫ୍ ଆଟମ୍ ମିନ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ସ୍ୱାଭାବିକତା ଏତେ ଯେ ସେ ଧରା ଦିଅନ୍ତିନି। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଦିନେ ରାତି ଦେଢ଼ଟା ସମୟ, ବର୍ଷା ଦିନ, ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କେଷ୍ଟ ପ୍ରସନ୍ନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହୁଏତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ କଲିକତାର ପାଲିତ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ସିଭି ରମଣଙ୍କର ସେ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ହେଇକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, କଲିକତାର ପାଲିତ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ସିଭି ରମଣଙ୍କର କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଆସୋସିଏଟ ହେଇକି ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପାଇଥାନ୍ତେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ସେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଣକ ବସିଥାନ୍ତି ରାତି ଦେଢ଼ଟା ସମୟ, ଠାକୁର ଡିକ୍ଟେସନ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ଦି ମେଣ୍ଟ ମଲିକୁଲାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ସ, କହିକି ଠାକୁର ଏମିତି ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଲେଖିସାରିକି ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଠାକୁର କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଠାକୁର ଠାକୁର ବୋଲିକି ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁର କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଖିନି ଠାକୁର ଡିକ୍ଟେସନ ଡାକୁଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁର ସତେ ଯେମିତି ଜଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପଥର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ଚାରି ମିନିଟ୍ ଏହି ଭାବରେ କଟିଯାଇଛି, ତାପରେ ଠାକୁର ହଠାତ୍ ଏମିତି ଚମିକି ପଡ଼ିକି କହୁଛନ୍ତି କେଷ୍ଟଦା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି। କେଷ୍ଟଦା କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ ଡିକ୍ଟେସନ ଦଉ ଦଉ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ, ମୁଁ ତ ଡାକି ଡାକିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେମିତି ପ୍ରାଣ ନଥିଲା ଆପଣ ନିର୍ଜୀବ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଧରିଛନ୍ତି କେଷ୍ଟଦା ଭଲ କରିକି ଜାବୁଡ଼ିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଠାକୁର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଠାକୁର କହିଲେ ନା ନା ସେସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। କହିଲେ କଣ କିଛି ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତର ବ୍ୟାକୁଳତାର ଗଭୀରତା ପାଖରେ ଭଗବାନ ଧରା ଦିଅନ୍ତି, ସେଠି ଆଉ ଛାଡ଼ିବାର କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ସେଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତର ଯେ ବ୍ୟାକୁଳତାର ଗଭୀରତା, ମୋର ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ଦୋହା ମନେ ପଡୁଛି, ଭୋଜନ ପଚ ଯାଏ ତୋ ଶକ୍ତି ଦୂର ନାହିଁ, ଭୋଜନ ପଚ ଯାଏ ତୋ ଶକ୍ତି ଦୂର ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆମେ ଖାଉଛେ ସେଇଟା ଯଦି ପେଟରେ ଭଲ ଭାବରେ ହଜିମ ହେଇଗଲା, ଡାଇଜେଷ୍ଟେଡ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଭାବିବେ ଯେ ଶକ୍ତିଟା ଆଉ ବେଶୀ ଦୂରରେ ନାହିଁ, ଶକ୍ତିଟା ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ। ଜୀବନ ଇଷ୍ଟମେ ମଜେ ଯାଏ ତ ଭକ୍ତି ଦୂର ନାହିଁ, ଜୀବନଟା ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କଠି ମଜିଗଲା ତାହେଲେ ଭାବିବେ ଆଉ ଭକ୍ତି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସେଇଟା ହିଁ ଭକ୍ତି।
तो से भक्त पाखे भगवान धरा दिखती ठाकुर कहले केष्टदा कौन कह फरीदपुर कहीं केट अनातु फरीदपुर कौटी कहे जे फरीदपुर से जे विधवा माटा ताकू उपभोग कर लालसारे से जमीदार पुओटा सी राति छकी रही राति देढ़टा राति से छकी रही स्त्री लोकटा बाहर को आसे अल्प बयस विधवा हो बहुटी देखा अति सुंदर ताकूभोग लालसा को एड़ पारे से जमीदार एवं सी आसिक छकी रही राति बाड़ की उठले माड़ बस एवं अवस्था से ता ही घटी से बहुटी प्राण विकल ठाकुर को डाकुची ठाकुर मत बचाओ मु विधवा मोर आई रही बंची केमी ठाकुर प्राण विकल तार व्याकुतार प्रार्थनाटा एत तीव्र एत भयंकर ठाकुर डिक्टेसन डाकु डाकू अटिकी गले इट इज अजिप्टमेंट मलिकुला अरेजमेंट अफ ब्रेन सेल्स कल ठाकुर रही जाती ठाकुर कहे मुझे देखा बेलू नागरा जोता पिंधि सिल्किन पंजाबी पिंधि सिल्किन चंदर टे पक आखिरे सुना फ्रेम चश्मा बांधि मत देखी दे कि हटात दौड़ी पलई जाऊ जाऊ गोटे गचर पिटी होगा तार चादर गोटे गचर कंटार लगे खंडे चिरिक रहा तार जोता गोटे कादुर पशिक पटे लाखिक रहा चश्माटा बाड़े जा गोटे पट भांगिगला माटा मोर रक्षा पाईला जा हा माटा मोर रक्षा पाईला केष्टदात महाचतुर डेट टाइम पकई टीपी रखिले विजय उत्सव आसी विधवा माटी आसी ठाकुर को प्रणाम करने ठाकुर बसी आखिर तार धाराधार लुह बोची ठाकुर आप जीवन बंचेले से दिन राति में जदि आप ठाकुर कहते कि कहना ठाकुर बार बार बारण कर कहना तू पला कि कहना केष्टदा लक्ष्य कले गोटे विधवा सुंदरी बहुटीए से ठाकुर को कौन कौच अथच ठाकुर कई दौना उठी जाष्टदा बाहर पचारे एवं डेट टाइम मिले ने ही घटना घटी यही हूँ परम दयाल से ठाकुर से केते बड़े धरा देवा चाहती ना के धरा देवा चाहती ना से सबुले जीवंत और बांछा कल्पतरु मनीष जी विश्वास कै मनीष जी भरोसा कै कि से प्रकार अवास्तवर कथा से तो केवे कहती ना कि तार ऊर्धर भी से मनीष को तार मालिक माल को से रक्षा करती जेहेतु से मालिक जे मालिक तार माल को से रक्षा करे ठाकुर अभय देखी से कथा कहते हजार बार ठाकुर कहते जगत एमती साध्य ना तुमको नष्ट सवार कर दे पारे कहार भी साध्य ना विश्व दुनिया मालिक जी से जो बड़े चाहिए रक्षा करने सृष्टि कहार ताकत ना से सृष्टि रक्षा करदे नष्ट करदे पारे तो से अभय ठाकुर दे मोर मन पड़ी मोर निजर जीवन गोटे घटना यही डिसेंबर मस 10 तारिख में से सब कथा कह ठाकुर तो अनेक बारण अच्छी तेज न कहीकि भावच्छ्वास रही हो डिसेंबर 10 तारिख कटकर ठाकुर विग्रह प्रतिष्ठा दिवस एवं से दिन कटकर हजार हजार गुरु भाई मैंने से उत्सव पालन करती बहु आडंबर सहकारे मसक आगु मु कथा देखु जीवी बोलिक चार छह दिन पूर्व मोर स्त्री की नहीं कि मेडिकल से एडमिशन कली एवं 10 तारिख दिन 9:40 मो स्त्री की ऑपरेशन थिएटर भितर को ढुकवाक पड़ा मु मने मने भावु थाए आज तो डाक्तर को बार बार कही आप 10 तारिख दिन ऑपरेशन करें कारण कई आसी पारे मु रही डाक्तर मत पूर्व कही देते आपंकर स्त्री गोटाए किडनी फेलुअर हो जाए गोटाए किडनी लॉस करने को आप मेंटली मेकअप रुंतु आदि किडनी इम्प्लांटेड करेंगे तेल 3 लाख टंका पड़ो किडनी दाम 55,000 टंका नब डाक्तर जी इम्प्लांटेड करमी 4 लाख टंका जब प्रस्तुत करेंगे तेल किडनीटा लगा हम ए मुझे प्रस्तुत नुहे तेणु किडनीटा ऑपरेशन करने को पड़ो से मोर बारण सत्य भी से 10 तारिख दिन ऑपरेशन कले 9:40 जितेबाला से ढुकैले मोर स्त्री की ऑपरेशन थिएटर भितर 9:30 बालेश्वर ऋतिक अजित दास आसिक पहुंची कहे विजय भाई ठाकुर दयार मुसी पहुंची जाप सत्संग जाऊँ तो ऑपरेशन थिएटर भितर रही से मोर मन पड़ा श्री श्री बरदा कथा आचार्य देव श्री श्री बरदा पूरी ठाकुर बाड़े पूज्यपा दादा को गोटे कथा कहते कहे विग्रह भितर ठाकुर जीवंत और बांछा कल्पतरु जितेबाला जहाँ इच्छा करू मागि नहीं पार एटा दे श्री श्री बरदा को दादा को कही नुहे एटा प्रति मनुष्य आचार्य देव श्री श्री बरदा निर्देश जे जो विग्रह बसिक ठाकुर पूजा पाई विग्रह भितर ठाकुर जीवंत बांछा कल्पतरु जार जार इच्छा जे जा मागि नहीं पारे भक्ति पराकाष्ठा जेपरी सेपरी मोर मन पड़ा से कथाटा आज विग्रह प्रतिष्ठा दिवस कटकर स्वयं विग्रह आज प्रतिष्ठा लाभ कर ठाकुर आज जन्मदिन केमिति जाकि ठाकुर प्रणामी देखी सत्संग बस भी ठाकुर श्री विग्रह सामने प्रणाम कली माँ को प्रणाम कली बरदा को प्रणाम कली दादा को प्रणाम करी जा सत्संग बसली शंख बाजिला 10 बेले सत्संग सर 12 फेरिली ऑपरेशन कौन है जानापी
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସି ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ଡାକ୍ତର ମୋ ସହିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ବାବୁ ୟୋର ଠାକୁର ହାଜ୍ ସେଭ୍ଡ ୟୁ ଠାକୁର ତୁମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀର କିଡ଼ନି ଅପରେସନ୍ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲୁ ଯେ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀର କିଡ଼ନିର ନ୍ୟୁ ସେଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି ନୂଆ କିଡ଼ନି ତିଆରି ହେଇଛି ଏଟା ଅସମ୍ଭବ ବେପାର ଏବଂ ସେଦିନ ମୁଁ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଠାକୁର ଯା ଦେଇପାରନ୍ତି ଜଗତରେ କାହାର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ଠାକୁର ଯା ଦେଇପାରନ୍ତି ଜଗତରେ କାହାର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ତା ଦେଇପାରେ ଆମେ ଟିକେ ଏଣୁତେଣୁ ଟିକେ ପାଇଁ କୁବେରକୁ ବାଇଗଣ ମାଗିଲା ଭଳି ଆମେ ଠାକୁର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ଠାକୁର ତାର ଋଣୀ ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି ଯିଏ ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ କରିଛି ପରମପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ ଦୀପ୍ତିମୟ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ କରିବା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷର ମୂଳ ବୁନିଆଦଟାକୁ ସେ ନର୍ଚର କରନ୍ତି ନରିଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଯେମିତି ଦାନା ଥାଏ ସେଇ ଦାନାଟା ଯେମିତି ମାଟି ପାଣି ପବନ ପାଇଲେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୁଏ ସେଇ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହେଲେ ଯେମିତି ବିରାଟ ଗଛର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଇ ଗଛ ଯେମିତି ପତ୍ର ଫୁଳ ପୁଷ୍ପ ଧାରଣ କରିକି ସମସ୍ତ ଜଗତକୁ ଆମୋଦିତ କରେ କେତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତାର ଫଳ ଖାଇକି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ତାର ଛାଇ ତଳେ ବସିକି ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାର ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଞ୍ଜିଟା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଥିଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ମଞ୍ଜିଟା ମାଟି ପାଣି ପବନ ପାଉନଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ସେ ଗଛ ହେଇପାରୁନଥିଲା ସେମିତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ଲୋକର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଦେବତ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ଇଷ୍ଟ ରୂପକର ମାଟି ପାଣି ପବନର ଯେତେବେଳେ ପରିବେଷଣ ସେଠି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଜାଗି ଉଠେ ତା ଭିତରେ ତାର ସତ୍ତାଟା ଜାଗି ଉଠେ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ଜାଗି ଉଠେ ଏବଂ ସିଏ ଛୋଟିଆ ମଣିଷଟା ଏକ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ତା ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଆସେ ପ୍ରୀତି ଆସେ ସ୍ୱାଗତ ଆଦର ଆସେ ଭଲ ପାଇବା ଆସେ ତା ଭିତରେ ଅମ୍ଳାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ଗର୍ଜି ଉଠେ ସେଇ ମଣିଷକୁ ଭରସା କରାଯାଇପାରେ ସେଇ ମଣିଷ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ ସେଇ ମଣିଷକୁ ନିର୍ଭର କରାଯାଇପାରେ ସେଇ ମଣିଷଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହୁଏ ତାର ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ଉପରେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଚରିତ୍ରଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରେ ତେଣୁ ଆଜି ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ସମାଧାନୀ ପୁରୁଷ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଜଛଳ ଭକ୍ତି ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ନେଇକି ମଣିଷ ଯଦି ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ସେ ମଣିଷର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତା ନହେଲେ ନୀତି ନିୟମ ମଣିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନା ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଶୁଭବେଳାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଅନ୍ତରରେ ଏଇମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ ଥାଏ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରତିଟି ଛତ୍ରଛତ୍ର ଆମେ ଯଦି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ନିଜର ପିଲାଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ନିଜର ଘର ସଂସାରକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ସୁଖପ୍ରଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ଅନେକ ଭାବ ଏର ଏଇଟା ହିଁ ଠାକୁର ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ବେଖାତିରି କରନ୍ତି ଅନେକ ଅନେକ ବେଖାତିରି କରନ୍ତି ମୁଁ ଥରେ ଯାଇଥାଏ ସମୟ ଅଛି ତ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ ଥରେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ଖରାଦିନ ଅତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ମାନେ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହଉଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ସାଙ୍ଗଟା ମୋର ଘରେ ନଥାଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା କହିଲା ସାର୍ ଯାଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ କିଛି ସମୟ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଆସିଯିବେ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କେତେ ସମୟ ଆସିବ ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ସେ ସାଙ୍ଗଟା ଚାଲି ଆସିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଅତି ବାସ୍ତବବାଦୀ କଥାଟା ମୁଁ ତଥାକଥିତ କୌଣସି ବୈପଡ଼ା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ମଣିଷର ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯାହା ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ତାହିଁ ସାଙ୍ଗଟା ମୋର ଖରାରେ ଫେରିଲା ଆଖି ପଶିଯାଇଛି ମୁହଁଟା ଲାଲ ପଡ଼ିଛି ତାର ମୋ ପାଖରେ ଆସି ବସିଗଲା ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲା ଏଇ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ଆଣିଲା ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ କହିଲା ଏଇ ଛୁଆଟା ବା ଭାରି ଜଞ୍ଜାଳ କରୁଛି ତମେ ସେ ଫିଲ୍ଟରରୁ ଆଣିକି ପିଇ ଦେଉନା କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ବସିଛି ବିଜୟ ପାଖରେ ବସିଛି ତମେ ଟିକେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିକି ଦିଅ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଶୁଣିବ ତା ପୁଅଟା ତାକୁ ଜଞ୍ଜାଳ କରୁଛି ସେ ତା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିକି ଅଛି ତା ପୁଅଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିଦି ଧରିଛି ସେଇ ଜିଦିଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମା ଆସିପାରୁନି ସେ ଆଉ ପାଣି ଦେବ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀକି ତାପରେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲାଣି ଯେ ସେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ମାଗୁଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଦଉନି ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ତମେ ଆଣିକି ପିଇ ଦିଅ ମଲା ତମେ କ'ଣ ଆଣି ଟିକେ ପିଇପାରୁନ ଛୁଆଟା ବୁଝୁନି ତମେ ଟିକେ ପାଣି ଆଣିକି ପିଇପାରୁନ ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ଉପସ୍ଥିତି ନ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ଓକେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଫିଲ୍ କଲାନି ଯାହା ହଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବ କହିଲା ବୁଝିଲୁ ନା ଏ ଛୁଆଟା ଭାରି ଜଞ୍ଜାଳ କରୁଛି
ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଛୁଆଟା ପା ରଖେଇ ଦଉନି ଆଉ ତୁ ଟିକେ ଆଣିକି ପିଇ ଦଉନୁ ତ ଯାଇକି ସେଠୁ ପାଣି ଆଣିକି ପିଇଲା ତାପରେ କହିଲା ଯା ହଉ ବୁଝିଲ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ବିଜୟ ଆସିଛି ଆଜି ରୋଷେଇବାସ ହବ ସେ କାହା ହାତରୁ ଖାଏ ନା ଆଉ ସେ ଖାଇ ପିଇକି ଯିବ ଭାତ ନିଜେ ଗାଳିବ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜାଣିଛି ସବୁ କହିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲା ନା ନା ସାର୍ ଯିବେ କୁଆଡେ ମୁଁ କହିଲି ବୁଝିଲୁ ନା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତୁ କିଛି ଭାବିବୁନୁ ନା କହିଲା କଣ ମୁଁ କହିଲି ତୋ ରୋଜଗାରରେ ଇଏ ପରିବାର ଚଳୁଛି ନା କହିଲା ହଁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଏ ଛୁଆର ତୁ ବାପ କହିଲା ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଏତେ କଥା ହେଇକି ଯୋଉଠି ତତେ ଗିଲାସେ ପାଣି ମିଳୁନି ସେଠି ମତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ଇଏ ଆଶା ମୁଁ ରଖୁନି ଇଏ ପରିବାର ତୋର ରୋଜଗାରରେ ଚଳୁଛି ତୋ ହାତ ଧରିକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛି ଏ ସଂସାରକୁ ତତେ ଯୋଉଠି ପାଣି ଗିଲାସେ ମିଳିପାରୁନି ସେଠି ମୁଁ ଖାଇବାର ଆଶା କଣ ରଖିବି ମୋ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଘର ଅଛି ତତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ସାର୍ ଆପଣ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତା ସ୍ତ୍ରୀ ତ କହିଲା କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଟା ମୋର କମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଏଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ତମ ପୁଅର ପ୍ରୟୋଜନ ଅପେକ୍ଷା ତମ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରୟୋଜନଟା ତମ ପାଖରେ ଗୌଣ ମନେ ହବାରୁ ତମ ପୁଅକୁ ତମେ ଖେଳେଇବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲ ଅଥଚ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ତମେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଲନି ତେଣୁ ତମ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରୟୋଜନଟା ଯଦି ତମ ପୁଅର ପ୍ରୟୋଜନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ପୁଅ ପଛେ କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତ ମରିଯିବନି ତମେ ସ୍ୱାମୀକି ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତ ଆଉ ତମ ପୁଅ ବୁଝିଥାନ୍ତା ଯେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ବାପାର ପ୍ରୟୋଜନଟା ଏ ଘରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବାରୁ ମୋ ମା ମତେ ପାଣି ଦେଇକି ମୋ ବାପାକୁ ପାଣି ଦେଲା ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତାନ ସେବାରେ କଣ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ଭାଗ୍ୟ ବେତାଳ ସନ୍ତାନ ବି ସାତ ପାଞ୍ଜିରୁ ଯାଏ ସ୍ୱାମୀ ସେବାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ସନ୍ତାନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପାଗଳ ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ସନ୍ତାନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପାଗଳ ଯିଏ ସେଇ ନାରୀର ଭାଗ୍ୟ ବେତାଳ ସନ୍ତାନ ବି ସାତ ପାଞ୍ଜିରୁ ଯାଏ ତେଣୁ ଏଇ ଛୁଆ ବଢିଗଲା ପରେ ବୁଝିବ ବାପା କଣ ଆଗ ମୋ ଅର୍ଡରଟା କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ ହବ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ ଓଲଟା କଥା କହିଛନ୍ତି ପିତାଟି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଠି ଟାଣ ସେଇ ପିଲା ହୁଏ ସାମ୍ୟ ପ୍ରାଣ ମାତୃଭକ୍ତି ଅତୁଟ ଯେତେ ସେଇ ପିଲା ହୁଏ କୃତି ସେତେ ପିତା ମାତାର ଯାଇ ତୃପ୍ତି ହୁଏ ତାଇ ତୁମର କରଣୀୟ ବିରକ୍ତି ତେବି ରଖିବୁ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ ସୁନ୍ଦର ବରଣୀୟ ମାନସ ବିରୋଧୀ ହୋକ୍ ନା ଯତଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଯତଇ ହୋକ୍ ପିତୃ ମାତୃଭକ୍ତିଟାକେ ରାକ୍ଷୀ ସ୍ନେହରେ କରେ ରୋଗ ହଜାର ହଜାର ବାଣୀ ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି ବାଣୀ ଉପଦେଶ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏଭଳି ପିତୃଭକ୍ତ ଏଭଳି ମାତୃଭକ୍ତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସଂସାରରେ କେବେ ତ କେହି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୋଉଦିନ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ କି ନା ସନ୍ଦେହ ଏଭଳି ପିତୃମାତୃଭକ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ଠାକୁର ଏତେ ବାସ୍ତବ ପିତୃଭକ୍ତ ଏବଂ ମାତୃଭକ୍ତ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ ନା ମା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣର ଉତ୍ସ ମା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଠାକୁର କହିଲେ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି କରିଛି ମୋର ଏଇ ମାକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ କରିଛି ସେସବୁ କଥା ବୁଝି ହୁଏ ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ ଆମେ ବୁଝେଇବୁ କଣ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିମୁ କୋଉ କଥା ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିମୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଯଦି କୋଟି କୋଟି ଘଣ୍ଟା ଧରିକି କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ସେମାନେ ଶେଷ କରିପାରିବେ ନା ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ କଥା କେତେ କେହି କହିପାରେ ନା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା ଥରେ କହୁଥିଲେ ପୂଜ୍ୟପା ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜ୍ୟପା ଦାଦା ସେଇ କଥାଟା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଯେ ମୋ ବାବା ମତେ କହୁଥିଲେ ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଅନେକ କଥା ତ ବହିରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳେ ନା ପୂଜ୍ୟପା ଦାଦା କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିକି ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ଠାକୁର ଛଅ ସାତ ବର୍ଷ ବୟସର ହେଇଥାନ୍ତି ଛୁଆ ମା ଭାରି ରାଗିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ପ୍ରାଣ ବିକରଣରେ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜଳାଶୟକୁ ଠାକୁର ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅତଳ ପାଣି ସେ ଜଳାଶୟରେ ଠାକୁର ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ପରେ ମା ବିକଳରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ବୁଡ଼ିଗଲା ପୁଅ ବୁଡ଼ିଗଲା କିଏ କୁଆଡ଼େ ଅଛ ଦୌଡ଼ି ଆସ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଚାଲି ଆସିବା ପରେ ଠାକୁର ତ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଳାଶୟକୁ ମା ଏକଦମ ହାଉ ହାଉ କରିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପୁଅକୁ ବାଡ଼େଇବେ କଣ ପୁଅ ତ ଆସିକି ଗଲାଣି ଡୁବିକି ଗଲାଣି କୁଆଡେ କଣ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁର ମାଙ୍କୁ ପଛ ଆଡୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଏମିତି ଧରିଛନ୍ତି କହିଲେ ମା ମୁଁ ପୁରା ଏଇଠି ଅଛି ମତେ କୋଉଠୁ ଖୋଜୁଛୁ ତ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜାମା ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟିଆ ଜାମା ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସେ ଜାମା ବି ତିନ୍ତିନି ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ବି ତିନ୍ତିନି ଏ କଥା କହିକି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦା କାଳେ କହୁଥିଲେ ବେଦରେ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅବାଙ୍ଗ ମାନସ ଗୋଚରମ ଏଇଟା ହଉଛି ଅବାଙ୍ଗ ମାନସ ଗୋଚରମ ଯାହା ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଦର୍ଶନର ବାହାରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ ନା କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ଦେଖିକି ଯାହାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ ନା ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅବାଙ୍ଗ ମାନସ ଗୋଚରମ
मनुष्य रूप से जिते बेले जन्म हूँ मनुष्य को से कहते यू लिव एवरीथिंग कम टू मी आई शाल गिव यू एवरीथिंग नो डाउट मु तुमको सब किछि देबी तुम मो पाखु को आसो यू कम टू मी आई एम द वे द ट्रुथ द लाइफ नन कैन कम टू द फादर बट थ्रू मी केही तांकर दयार करुणारु केही वंचित होबा उचित नुहे केते साधु संत महापुरुष आछिछन्ति ठाकुरंग पाखुकु केते जटा जुटो उदारी बाबा जो मानकर जटा लटुची माटी रे सेमाने भी आछिछन्ति ठाकुरंग पाखुकु ठाकुर तांकु एते मर्यादा दैछन्ति एते सम्मान दैछन्ति एते उपरकु टकी ठाकुर कहिछन्ति जगत रे केही बदे तांकु एते प्रशंसा करिनांति एटा होछि पुरुषोत्तमंकर लक्षण एटा होछि पुरुषोत्तमंकर लक्षण विशिष्ट वैज्ञानिक जणे आछिथिले ठाकुरंग पाखुकु ठाकुर तांकु विज्ञान रो कथा पचारुछन्ति सी सू छाती टे मोटा है गला कहला हो मु वैज्ञानिक तो ये धार्मिक मुहली वैज्ञानिक तेणु विज्ञान कथा पचारिकी मोठू बुझापी आग्रह करके पचारु ठाकुर एमती गोटे कथा पचारिदे सेटर बाजिगला पूरा कहले ठाकुर आपण कौन एक पचारे ठाकुर कहले कौन है कि भूल है भूल नुहे सारा जगतर सब बड़ बड़ वैज्ञानिक माने जो सत्य को उपस्थापना करने गवेषण रतार किसी सिद्धांत एपर्त बाहरी ना से प्रश्नटा आपण मुझे मेट्रिक पास करना आपणकर शिक्षागत योग्यता हूँ आप मेट्रिक पास करना आपण मुंड को यह प्रश्नटा ढुकला केमी मुझे कथा जानवाक चाहे ठाकुर कहले कि जानी आम तो मूर्ख मानुष जा माथाई ढुकल तई बोले दिल जदि भूल है था आम के क्षमा करबे कहे ना ना भूल ठाकुर नुहे दया करी आपण तार उत्तर कहतु पृथ्वीर बड़ बड़ वैज्ञानिक माने जो सिद्धांत एपर्त उपनीत हो पारिना साधारण मेट्रिक परीक्षा दे नपण जे व्यक्ति जो प्रश्न पचारूँ से आपण मुंड को तार किसी सिद्धांत आप चिंता करेंगे दयाक आपड़ कहतु तार व्याकुता से वैज्ञानिक व्याकुता ठाकुर भितर सृष्टि कला एवं ठाकुर तापर कई चलिले आटमोस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी कथा क्वांटम फिजिक्स कथा इलेक्ट्रॉन कथा प्रोटॉन कथा न्यूट्रॉन कथा एपण यही वैज्ञानिक मानकर गवेषणार सिद्धांत कथा कहले ए वैज्ञानिक जाते सीवी रमण को कहले पावना जाइली आंठू लुगा डेउन जड़े भुंगुला देहधारी ब्राह्मण लोक आमर विज्ञान पर सिद्धांत दौर से नोबेल प्राइज पाई से ही सीवी रमण कहले ये गोटे पगल प्रभाव तीन वर्ष पर डेनमार्क जड़े यंग साइंटिस्ट जिते बड़े सही कथ को प्रमाण करके नोबेल प्राइज पाइला से सीवी रमण को छाड़ी देखिए ठाकुर पाख चली आसते से होती कृष्ण प्रश्न भट्टाचार्य तो विज्ञान से चरम उच्च ज्ञानटा जहां भितर सहज उच्च किए सर्टिफिकेट दब गणेश कौन बीए ना एम ए ना कौन सरस्वती कौन पीएचडी डीएससी विज्ञान जी उच्च प्रेम जी उच्च भल पाइबार जी उच्च जीवन रि उच्च किसी सर्टिफिकेट ना कि आइडेंटिटी ना भल पाइले लोक बुझिपे जीवन टा संकटापन्न तांकर जाए मु जने बाबा धरतु मु गोटे महापुरुष मु गोटे बाबा जगत नष्ट हो गले मोर की जाए मो छुआ पिला मो शिष्य भक्त जदि ठीक रहले मु भल किंतु तांकर तो सेमती नाही मोर भी जदि किछि कष्ट होय गोटे पिंपुडी रो भी जदि कष्ट होय गोटे पत्र रो जदि कष्ट होय गोटे गछरो जदि दुख होय तांकर दुख होय ठाकुर अनुकूल चंद्र जते बेले छोट छुआ बेले पद्म नदी रे गाधौतिले गाधे सारिकी आसला बेलू माँ देखे पघार दाग बस्ती बेक कहले किए किए तते किए एम कला किए बोधे पुओ को फासी फासी दौला कि कौन माँ जमी पूरा व्याकुल पड़े ठाकुर कहले कहीं कौन है माँ कह तू देखु तो बेकर पघार दाग बसि दौड़ी दाग ठाकुर देख ला बेलू सतु सत नोला फाटी पड़ी पूरा दौड़ी दाग कहले केमी कहले माँ मु तो जानी से पद्मा नदी कूल गाई टे चरुला अतटा खसी पड़ा से गाई टा गो होता मत भारी कष्ट मुझे गाई टा को दौड़ी जा पघाटा खोलदेली से देख बोध एमती होती कि कौन ठाकुर घोड़ा गाड़ी में जाऊ घोड़ा को साई साई कर दि चार पार चबुक पिटीदेला तार शैस ठाकुर ओल्ल पलै आसे बाड़ा दी गाँ को फतुआटा खोलदेला बेलू चबुक नोला फाटी पड़ी ठाकुर धार धार हो पिठी गोछर गोटे डाल कटा हो गला से डाटा कहीं कटा है बोली ठाकुर तो जहाँ जिदी कले कले पूज्य नानुदा अच्छा संगलाभ कर देखी जानते हाथ टा एमती कह बांकी रहा दस पंदर दिन काल से डाटा जोड़ा है हरमोन इंजेक्शन दिगला से बैंडेज कराला प्रतिदिन ठाकुर पचार जानते देखे आस पत्र कौन कि जो दिन शुणिले पत्र कौली से दिन ठाकुर महाखुशी आनंद गोटे रास्तार बुला कुकुर घाटी होता पशि आसला आश्रम भितर को ठाकुर बचेवा बहुत जत्न कले बहुत दायित्व सब दे कुकुर मरीगला दी दिन है ठाकुर को कई कौना भयर
ठाकुर जोदिन जानिले सेदिन तंकर खाइबा पीबा नाही जो कि कष्ट कि दुखता चिंता करा जाय परेना माने भारत ऑर्डिनेंस फैक्टर जनरल मैनेजर सेदिन आसीथिले मनोरंजन दास ठाकुर को पाखकु ए अवस्था देखि कहले ठाकुर कोन मु तो चिंता करि परुनी गोटे रास्ता रा भुला कुकुर रो अवस्था रे तंकर एई अवस्था मु भाबिली मते ठाकुर को पुओ नाती कि आत्मीय सदन के बोधे मरि जाइछन कि कोन रास्ता रे गोटे भुला कुकुर जार किछि आइडेंटिटी नाही ता पई तंकर एई अवस्था ए होचंती पुरुषोत्तम आपण चिंता करंतु मु बोधे मो जानिबारे एई जगत रे गोटे मा ता छुआटा को बेसी भलो पाए ए भलो पाइबार ऊपर आउ किछि भलो पाइबा अछि बोली कि मु अंतत मो ज्ञान बुद्धि दे कि जाने ना गोटे मा ता छुआ को जति कि भलो पाए एते भलो पाइबा दुनिया रे बोधे केई का को पांती नाही आपण माने कहिबे चिंता करिवे किंतु गोटे मारो सामना रे तारो छुआरो गालरे जदि ठोकिनी चपड़ाटे कसा जाए को मा गालरे नोला फाटी पड़ी मु एटा देखिनी आपण देखिथिबे कि कोन चिंता करिवे मारो सामना रे छुआ को जदि चपड़ा मरा जाए छुआ गालरे तो नोला फाटीबो चपड़ाटा ताठी बाजीची किंतु मा गालरे नोला फाटी पड़े ना किंतु मा अनेक कष्ट पाए हाथटा गालु को नहीं जाए कष्ट पाए किंतु चापड़ा रो दागटा मां पाखरे देखा जाए ना भलो पाइबाटा एते परिमाण रे थाई की मध्य चापड़ा रो दागटा जदि मां गालरे फुटी न उठे ताले भलो पाइबाटा को परिमाण रे थिले घोड़ा पिठरो चापुक रो दागटा सेटी फुटी उठे चिंता करंतु सृष्टि रो मालिक से जीवन रो उच्च से तांको धरिले सब समस्या रो समाधान जय गुरु चंद्र कोटि कोटि प्रणाम परम आराध्य जगत जननी सुचि लक्ष्मी चंद्र कोटि कोटि प्रणाम जुगाचार्य परम पूज्यपाद शिष्य वरदांश चंद्र कोटि कोटि प्रणाम प्रधान आचार्य परम पद दादांश चंद्र कोटि कोटि प्रणाम बरेण्य ऋतिक दुर्जातुक मंडली परम श्रद्धे विजय भाई समवेत भक्त मंडली ସୁନା ଭାଇ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରେମ ସଜ୍ଜନ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୀତି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଜୟ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଜୟ ଭାଇଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଅତି ବାସ୍ତବ ଅତି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ପରମ ପ୍ରେମ ଠାକୁରଙ୍କର ଚଳନ୍ତର୍ଯ୍ୟା ତାଙ୍କର ଜୀବନର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଜୀବନର ସମସ୍ତ କଥା ତ କହିବା ଆମ ପାଖ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କୌଣସି ମଣିଷ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା କହନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ପାଣି ଭଳି ତେ ଯେଉଁ କେତୋଟି କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିଭୂତ ହେଇଥିବେ ହିଁ କାରଣ ଏଇଟା ଜୀବନର କଥା ଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଣର କଥା ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଗତିର କଥା ବିବର୍ଦ୍ଧନର କଥା ତେଣୁ ତାର ଶେଷ କେଉଁଠି ନାହିଁ ତେବେ ଆଜିର ଯାହା ଆମର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯୁଗ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବାଦର୍ଶ ଏ ତ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସରଳ ଭାବରେ ବିଜୟ ବୁଝେଇ ଦେଇଗଲେ ଏ ସମସ୍ତ ସମାଜ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହନ୍ତୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଦମ୍ପତି ଗୃହ ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଭର କରୁଛି ସମାଜ ଉପରେ ସମାଜ ନିର୍ଭର କରୁଛି ପରିବାର ଉପରେ ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଛି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଉପରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ସେ ପୁରୁଷ ହେଉ ବା ନାରୀ ହେଉ ତାହା ଯଦି ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଫୁଟି ଉଠେ ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଉଠେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ସଂସ୍କୃତ ହେଇନି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇନି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇନି ଆଉ ମାନବୀୟ ଗୁଣରାଜର ଅଧିକାରୀ ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ରହିବ ହିଁ ରହିବ ଆଉ ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଉପନୟନ କରିବାର କୌଣସି ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ ତେବେ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଯେଉଁ ଅହମ୍ଭାବ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ରହିଛି ବା ଅଜ୍ଞତା ରହିଛି ୟାକୁ ପୁରାପୁରି ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ଯିଏ ସମସ୍ତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତାଙ୍କରି ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ ହୁଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ ବୋଲି କହୁଁ ଆଉ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି ତେଣୁ
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣେ, ଭାରତୀୟ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣେ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୁଏ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଏଇ ମାନବ ଦେହକୁ ଓଳିଆ ସନ୍ତ ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେହିଭଳି ଏକ ପରିବେଶରେ ପରମପ୍ରେମ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବୁଝୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କେଉଁଠି, ତାହାକୁ ସୁଧାରି ନେବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କରି ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ ହୁଏ, କୌଣସି ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ସେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଚରମ ସେ ହିଁ, ସମସ୍ତ କାରଣର କାରଣ ପରମ କାରଣ ସେ। ତେଣୁ ସେ କାରଣ ପୁରୁଷକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧରିପାରିନେ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଛି ବା ସେଇ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଶେଷକୃତ କହିବାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ହୋଇ, ତାହା ତ ଜୀବନର ସୁନ୍ଦର କଥା, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚଳନର କଥା। ଆଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚଳନ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ କରା ନଯାଏ, ତାକୁ ଯଦି ମାର୍ଜିତ କରା ନଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୀବନର ସୁଖ କେଉଁଠି ପାଇବେ? ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାଏ ଯେଉଁ ଘରରେ ପାରସ୍ପରିକତା ରହିଛି, ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ପ୍ରେମ ରହିଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଘର ତ ସ୍ୱର୍ଗ। ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ କେଉଁଠି ଥାଏ? ତେଣୁ ତାକୁ ବାଦ ଦେଇ କିନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ କୁଠେଇ ନାହିଁ। ଭାଇ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ପିଠିରେ ଘୋଡ଼ା ତାବୁକ ବସିଯାଇଥିଲା, ଗଳାରେ ରସୁଣ ଦାଗ ବସିଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା କି ଭାବ? ଆକୁ ତ କୁହନ୍ତି ପ୍ରେମ। ଆମେମାନେ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଯୋଡ଼ି ପାରେ ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରେମ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ଗାଢ଼ତ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଭାବ କେବଳ ସେଇ ପରମ୍ପିତା ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି। ତାକୁ କହନ୍ତି ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍। ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାର କୌଣସି ପ୍ରତିଦାନ ସେ ଚାହାନ୍ତିନି, ଲଭ୍ ହେଉଛି ଲଭ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ତାର କୌଣସି ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପାଇବାର ମାନେ ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ରହୁଛି ଯେ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲେ ମୋର ସେବା କରିବା, ମୋତେ ପଚାରିବ, ବା କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେସବୁ ନାହିଁ। ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରି ନିଜ କଷ୍ଟକୁ ଅପହରଣ କରିବା, ଏହା ତ ହେଲା ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମ ଆଉ କେଉଁଠି ଥାଏ? ଆଉ ବିଶେଷ କହିବାର ନାହିଁ, ସମୟ ବ୍ୟତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଯେଉଁ ମା ଭାଇମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ, ଏ ଯଜନ୍ଦାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ନିୟମାଙ୍କୁ ହେଉ, ସେହି ପରମ୍ପିତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଜାବିଡ଼ି ଧରି, ଆହୁରି ଜାବିଡ଼ି ଧରିବା ମାନେ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ନୀତି ଯଜନ୍ଦାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ସ୍ୱସ୍ଥନୀ ସହଚାର, ତାକୁ ଜୀବନରେ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ପାଳନ କରି ଯଦି ଆମେମାନେ ଚାଲିଲେ ଜୀବନ ଆମର ସାର୍ଥକ ହିଁ ଉଠିବ ହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମା ଭାଇମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ନିଜର ସଂସାର ଆକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏ ଧୂଳଧୂଳ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ରାସ୍ତା, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ବିଦ୍ୟତ ଅନା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପରମ୍ପିତାଙ୍କ ଆତ୍ମଚରଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ତାଙ୍କରି ସତ୍ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭ୍ୟମନ୍ତିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରି ତୁଳନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟ କରି ତୁଳନ୍ତୁ। ବିଧାନ ହେବା ଆଗରୁ ସେ ପରମ୍ପିତାଙ୍କ ଆତ୍ମଚରଣ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଜିର ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟକ୍ତମାନେ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ମା ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ସାର୍ବିକ ମାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପରମ୍ପିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ କରି ତୁଳନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଏହାପରେ ଆମର ଉଦ୍ଯାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ରହିଛି, ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଆଉଲଣି ସଙ୍ଗତ କରିବେ ସେ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର। ଈଶ୍ୱରେ ଧର୍ମ ସାଧୁରାର ବୋଧ କଭୁ ଦୁଇ ନାହିଁ।
I'm not afraid.